स्वागत है आपका एचएजे एडुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के फंक्शंस को जानेंगे। मार्केटिंग में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स उस पाथवे या रूट को कहते हैं जिसके माध्यम से गुड्स या सर्विसेस प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक पहुँचता है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मैन्युफैक्चरर को प्रोड्यूसर को कस्टमर से कनेक्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और यह इंश्योर करता है कि गुड्स या सर्विसेज राइट टाइम में राइट प्लेस में राइट क्वांटिटी में कस्टमर्स के पास अवेलेबल हो। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल होता है जो कि कंपनी के ग्रोथ में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केटिंग इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुमुखी भूमिका निभाता है जो कि कंपनी को हेल्प करता है प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केट एक्सपेंशन में, वैल्यू एडिशन में, रिस्क मिटिगेशन में और प्रॉपर कस्टमर रिलेशन को बिल्ड करने में। मार्केटिंग चैनल्स के फंक्शंस को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके मार्केटिंग चैनल के फंक्शंस के बारे में समझदारी डेवलप करके कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के एडवांटेजेस से लाभान्वित हो सकती है और अपने मार्केट रीच को बढ़ा सकती है और आज के इस डायनेमिक मार्केट प्लेस में सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में कितने इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होंगे यह फिक्स्ड नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कभी कभी एक इंटरमीडियरी प्रेजेंट हो सकता है तो कभी कभी एक से अधिक भी इंटरमीडियरीज प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्रोडक्ट टाइप, टारगेट मार्केट और डिग्री ऑफ कंट्रोल पर डिपेंड करता है। आगे कंपनी को इन सारे फैक्टर्स को केयरफुली इवेल्युएट करना चाहिए ताकि कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सेलेक्ट कर सके और प्रॉपरली टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच सके। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का स्टेजेस प्रोडक्शन से स्टार्ट होकर आफ्टर सेल सर्विसेज तक चलता है। प्रत्येक स्टेज को ऑप्टिमाइज करके कंपनीज यह इंश्योर कर सकती है कि प्रोडक्ट और सर्विस राइट टाइम में राइट प्लेस में और राइट क्वांटिटी में कस्टमर्स तक पहुंचे। इससे सेल्स तो इंक्रीज होता ही है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस भी बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है फैसिलिटेटिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की सहायता से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स के पास पहुंचा पाती है या यूं कहें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कई जगहों तक पहुंचा पाती है जिससे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को आसानी से एक्सेस कर पाता है। मतलब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। रिटेल स्टोर्स में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास प्रोडक्ट को स्ट्रेटेजिक तरह से प्लेस करके वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स के लिए कंज्यूमर्स के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेलेबल करा पाती है। यही एक्सेसिबिलिटी यही अवेलेबिलिटी कंपनी को हेल्प करता है मार्केट में एंटर करने में और डाइवर्स कस्टमर्स या कंज्यूमर्स तक पहुंचने में। अगला फंक्शन है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिजनेसेस को कंपनी को अपने मार्केट को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। इंटरमीडियरीज जैसे कि होलसेलर्स रिटेलर्स के एक्टिविटीज का एडवांटेज लेकर कंपनी नए मार्केट्स में एंटर कर सकती है और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकती है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की सहायता से कंपनी चाहे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पहुंचा सकती है जिससे कंपनी का ग्लोबल एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाता है और कंपनी डाइवर्स कल्चर और डेमोग्राफी को सर्व कर पाती है। अगला फंक्शन है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स स्टॉक लेवल्स को ऑप्टिमाइज करके कैरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करके इन्वेंटरी को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके कंपनीज इन्वेंटरी से रिलेटेड फोरकास्ट कर सकती है जो कि कंपनी को प्रॉपर क्वांटिटी में इन्वेंटरी होल्ड करने में हेल्प करता है ताकि कंपनी एक्सेस इन्वेंटरी होल्ड ना करे। इस अप्रोच की सहायता से ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इनहेंस किया जा सकता है और स्टॉक आउट्स और ओवर स्टॉक जैसे सिचुएशंस के अकरेंस को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगला फंक्शन है वैल्यू एडिशन पैकेजिंग ब्रांडिंग आफ्टर सेल सपोर्ट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करता है। ब्रांडिंग में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है
और कस्टमर्स को जरूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यही वैल्यू एडेड सर्विसेस कस्टमर्स के ओवरऑल एक्सपीरियंस को इनहेंस करता है और कस्टमर्स का ब्रांड के प्रति लॉयल्टी को इंक्रीज करता है और कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज करता है। अगला फंक्शन है मिटिगेशन ऑफ रिस्क। मार्केटिंग एक्टिविटीज से जुड़ा अलग अलग रिस्क को कम करने में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प करता है। रिस्क ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हो सकता है, वेयर हाउसिंग से जुड़ा हो सकता है और रिस्क पेमेंट कलेक्शन से जुड़ा भी हो सकता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को डाइवर्सिफाई करके रिलायबल पार्टनर्स के साथ काम करके बिजनेस अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकती है और आने वाले डिसरप्शन को भी बाईपास कर सकती है और कंपनी आने वाले डिसरप्शन को भी प्रॉपरली हैंडल कर सकती है। अगला फंक्शन है फीडबैक। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से वैल्यूएबल फीडबैक इकट्ठा किया जा सकता है और कस्टमर से इंटरमीडियरी से जरूरी मार्केट इंटेलिजेंस इकट्ठा किया जा सकता है। चैनल पार्टनर से रेगुलरली इंटरेक्शन करके एंड यूजर से रेगुलरली इंटरेक्ट करके बिजनेस कस्टमर के प्रेफरेंसेस, मार्केट ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स से जुड़ा काफी इंसाइट इकट्ठा कर सकती है। इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की सहायता से प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को रिफाइन किया जा सकता है, टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाया जा सकता है और कंपटीशन में आगे रहा जा सकता है। अगला फंक्शन है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कस्टमर रिलेशनशिप के मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की सहायता से कंपनी कस्टमर्स को और भी बेहतर तरह से समझ पाती है और कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती है, कस्टमर्स की इंक्वायरी को एड्रेस कर पाती है, इश्यूज को प्रॉम्प्टली रिजॉल्व कर पाती है और ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के आधार पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाती है। यही अप्रोच कस्टमर्स को रिपीट परचेस करने के लिए एनकरेज भी करता है।